सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो। जय हो विश्वभान दुलारी की। जैसा कि आप अभी जो दर्शन कर रहे हैं, जो शिखर है वह ललिता महारानी की ललिता अटा के दर्शन कर रहे हैं। और आप दर्शन कीजिए, क्योंकि श्री राधा रानी की सबसे प्रिय और सबसे पहली सखी ललिता सखी कि आप दर्शन करके अपने लाइव की शुरुआत करें। और यह जो बीच में जो आपको दिख रहा है, यह पूरा बगीचा वह राधा बाग है। यह राधा बाग राधा रानी का प्रिय बगीचा है, और इस बगीचे के जल से ही श्री राधा रानी का नित्य प्रति स्नान होता है। तो आप सभी दर्शन करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, सभी को राधे राधे। महल में आज सैटरडे है, सैटरडे संडे के दिन यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है, तो उसका पालन भी हो रहा है। यहाँ सुनसान है भक्तों के बिना। आप सभी आनंद लेते रहें, जुड़े रहें, जोड़ते रहें, शेयर करते रहें। जय हो लाडली लाल की, जय हो वृषभान दुलारी की, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। और आप सभी यहाँ श्री राधा रानी के महल में इन चिन्हों पर मत्था टेकिए, और सभी राधे राधे बोलते रहिए। और यहाँ जो है सिंहासन है, यहाँ भी कभी रास हुआ करता था। आप सभी आनंद लें और राधे राधे बोलते रहें। और पिछले टाइम तो संडे के दिन था लॉकडाउन, लेकिन इस बार सैटरडे और संडे दोनों दिन का लॉकडाउन है, तो इस वजह से बरसाना पूरी तरह से सुनसान है और माहौल पूरी तरह से पहले जैसा है, सुनसान भरा माहौल है। आप सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की। बरसाना में, पूरे बरसाना में, पूरी परिक्रमा मार्ग में राधे राधे की ऐसी पेंटिंग हुई है। हर जगह राधे है, राधे राधे, हर जगह राधे है, ताकि कोई भी भक्त अगर इस रास्ते से होते हुए निकले तो उसके जुबा पर एक बार श्री राधा रानी का नाम अवश्य आए। हर जगह आप देख सकते हैं राधे राधे है। और वैसे भी सच बताऊं, हमारे यहाँ तो जो ब्रजवासी होते हैं, जो सुबह प्रातःकाल के समय जब वो मंगला के लिए निकलते हैं, तो मंगला कंप्लीट होती है, उससे ज़्यादा बार तो वो राधे राधे बोल देते हैं। कहते ना, एक माला में 108 बार की जो मोती होते हैं, उससे ज़्यादा तो 108 से ज़्यादा तो राधे राधे पूरी परिक्रमा में हो जाती है, क्योंकि जितने भी भक्त मिलते हैं सभी राधे राधे बोलते हैं और इसी तरह श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हमारे ब्रजवासी मोस्टली बरसाना, ये जो आप ब्रजवासियों की कुटिया देख रहे हैं, इनमें से मोस्टली बहुत सारे ब्रजवासी राधा रानी की मंगला आरती करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रातःकाल का समय जो होता है। तो आप सभी जो देख रहे हैं वो श्री राधा रानी की ब्रजवासियों की कुटिया है, और पीछे महल है। सैटरडे का दिन है इसलिए बंद है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ नियमों का पालन भी हो रहा है। जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा, तो पहले क्या था कि यहाँ मास्क और सैनिटाइज के साथ श्री जी के महलों के दर्शन हो रहे थे, लेकिन सैटरडे संडे के दिन पूरा नियम का पालन किया जा रहा है। और हर जगह आप देख सकते हैं सुनसान भरा रास्ता है। और श्री राधा रानी के महलों में वो समय भी था जो श्री जी का महल भक्तों से भरा रहता था। और वैसे भी सैटरडे संडे तो आपको पता है कि श्री जी के महलों में किस तरह से भीड़ होती थी, भक्तों का भरमार लगा रहता था, अद्भुत आनंद आता था। जब तक भक्तों के भजन ना हो तब तक आनंद अधूरा सा लगता था। अब तो हर जगह खाली है, हर जगह खाली है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी श्री राधा रानी एक बार फिर से पहले की तरह नहीं, इस बार संपूर्ण ही इस कोरोना महामारी से निजात दिलाएंगे, और फिर से श्री जी कृपा करेगी और हम फिर से आनंद लेंगे। आप जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। श्री राधा रानी की सफ़ेद छतरी, आपको पता है श्री राधा रानी वर्ष में 3 बार यहाँ छतरी में दर्शन देती हैं। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि श्री जी के दर्शन कितने प्यारे होते होंगे, क्योंकि चारों तरफ से उजाला रहता है और बिल्कुल करीब से श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ के दर्शन सच में अद्भुत होते हैं। और एक मैं आज आपको एक और बात बताऊँ कि हमारे परिवार के भक्त हैं, जैसा कि हमने एक बार कहा भी था कि राधा कृपा कटाक्ष के पाठ करने से
और घर में दीपक जलाने से भक्तगण ठीक भी हुए हैं। जैसा कि कल मुझे एक चमत्कार दिल्ली से शेयर हुआ कि भैया 6 दिन से मेरे ससुर जी की जो तबीयत खराब थी वो फिलहाल में थोड़ी बहुत रिकवर हुई है और मेरा विश्वास है लाडली जू सब कुछ ठीक करेंगे। और हम यही मांगते हैं किशोरी जू से कि हे किशोरी जू, इस कोरोना महामारी से सभी भक्त जूझ रहे हैं वो सभी मुक्ति पाएं और सभी आपके दर्शनों के लिए बरसाना धाम आए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये श्री जी का वो दरबार है, श्री जी का यह वो दरबार है जहाँ सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आपको पता है इतना रस ऐसे नहीं बरसता, श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा, जब आपको पता है जब श्री जी की कृपा हो जाती है तो बिहारी जी खुद ब खुद कृपा करने के लिए आते हैं। और ये महल का ये पुराना मंदिर है, यहाँ भी रेनोवेशन का कार्य चालू होगा ताकि आपको भी इस महल के दर्शन हो सकें, क्योंकि आपके मन में भी यह जिज्ञासा रहती है कि श्री जी जब वो बहुत वर्ष पहले इस मंदिर में रहती होंगी तो किस तरह का नज़ारा होगा। आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा कि अंदर का कैसे कैसे पहले श्री जी की शयन कक्ष, श्री जी के भोग भंडार किस तरह से थे। लेकिन यहाँ अगर रेनोवेशन हुआ उसके बाद यह ठीक हुआ तो सभी भक्तों के लिए यहाँ के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि श्री जी का वह सबसे पुराना स्थान है और वहाँ के अगर आपको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा तो कितना अच्छा लगेगा आपको ही पता है। तो आप सभी यहाँ राधे राधे बोलकर जुड़े रहें, जोड़ते रहें, शेयर करते रहें ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे, सभी को यह आनंद प्राप्त होगा। और आप सभी यहीं से हमारे ब्रह्मा जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाकर इस कोरोना महामारी से लड़ रहे सभी के लिए यही कामना करें कि सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों और सब पर कृपा हो। जय हो मेरे ब्रह्मा जी महाराज की जय। देखिए, और हम एक ही बात कहते हैं कि कोरोना महामारी से जितने भी भक्त जूझ रहे हैं उनके परिवार को शक्ति दे और उन्हें भी शक्ति दे ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर से लाडली जी के दर्शन करें। आप यहाँ राधा रानी के चरण चिन्ह जो हैं श्री जी के यहाँ भी मत्था टेकेंगे। और देखिए, जब भी कैमरा नीचे हो तो आप अवश्य मत्था टेकिएगा, सच में अद्भुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हमारा सिर लाडली जी के दर पर झुका हुआ है। तो आप यह आनंद लें, राधे राधे तो बोलते ही रहें, जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की। और इसी तरह देखिए, आप मानसिक रूप के साथ ही आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस समय तो आपको घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लाडली जू का ध्यान करते रहें और राधे राधे बोलते रहें। और यहीं आप कामधेनु गौ माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, जय हो कामधेनु माता, सभी की मुराद पूरी करें और सभी को बरसाना धाम बुलाएं। जय हो मेरी राधा रानी की, हर कण कण में श्री राधा, हर कण कण में श्री राधा रानी का यहाँ वास है। और नज़ारा आप कुछ देख ही रहे हैं, किस तरह से महल पूरी तरह से सुनसान है। सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है और सभी अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और सभी आनंद लें। और जब तक आप सभी मुझे कमेंट करते रहें, सभी मुझे कमेंट करते रहें कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी, आप सभी एक बार कमेंट जरूर करें। और चलिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि आज की जो पोशाक है राधा रानी और बिहारी जी की, वो दोनों में से किसी ना किसी एक की पसंदीदार पोशाक पहन रखी है, या तो ठाकुर जी ने अपने मनपसंद पहन रखी है या फिर श्री जी ने मनपसंद पहन रखी है। अब आपके लिए इतना ही क्लू काफ़ी है, अब आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिए कि आज कौन सी पोशाक श्री जी ने पहन रखी होगी और श्री जी के आज कहाँ दर्शन हो रहे होंगे, जगमोहन में या गर्भगृह में, ज़रूर मुझे आप शेयर कीजिए। और राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी की जो सीढ़ियां हैं इनके भी दर्शन करके आनंद लीजिए, क्योंकि महल तो पूरी तरह से सुनसान है, सुनसान भरा माहौल है। सिद्धि जी कहती हैं पिंक, कमेंट अवश्य करें, ब्लू, येलो, येलो। अब आपको इतना पता चल गया है कि श्री जी और ठाकुर जी की प्रिय कलर की पोशाक है तो मोस्टली सही जाना चाहिए। अब देखते इतना क्लियर होने के बावजूद भी किन किन भक्तों के भाव श्री जी तक पहुँचते हैं। जय हो राधा रानी की।
अद्भुत पोशाक है और अद्भुत श्रृंगार है। आज आज का श्रृंगार सच में अद्भुत है, अनोखा श्रृंगार हमारी श्री राधा रानी और हमारे श्री बांके बिहारी का है। आप सभी राधे राधे बोलते रहें, जोड़ते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त राधे राधे बोलते रहेंगे और अपने दिन की शुरुआत करते रहेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, हर जगह श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हर जगह श्री राधा श्री राधा, हर जगह सीढ़ियों पर, हर जगह सीढ़ियों पर श्री राधा लिखा हुआ है। पवित्रा जी कहती हैं येलो, और सभी कमेंट अवश्य करें। पवित्रा जी कह रही हैं गर्भगृह में दर्शन होंगे, रितिका जी भी कहती हैं गर्भगृह में, तो आप सभी कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगता है कि आज श्री जी कहाँ होंगी, कहाँ दर्शन दे रही होंगी और क्या लीलाएँ होंगी, ये ज़रूर मैं आपको बैठ के शेयर भी करूँगा। आप जब तक सभी मुझे कमेंट करते रहें, और आपके एक कमेंट से जब आपका कमेंट श्री जी तक पहुँचेगा तो आप सच में अच्छा लगेगा, करके देखिए आनंद आएगा। एक बार एक एक कमेंट सभी कीजिए, और राधे श्याम, जिनके कमेंट मुझे नहीं शो होते वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ आपके कमेंट पढ़ूंगा। और आपके मन में देखिए बहुत ही बड़ी एक जिज्ञासा सी हो रही होगी कि श्री जी मेरे भाव पहुँच जाएँ, लाडली जू मेरे भाव आप तक पहुँच जाएँ, ये सबके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। तो आप एक बार अवश्य कमेंट कर दें कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। जय हो बजरंग बली की जय। और यहीं से आप रसिक बिहारी जी के दर्शन करते रहें, और महल श्री जी के आप दर्शन कर रहे हैं। सोनाली जी कहती हैं गर्भगृह हर जगह, वैसे ब्रजवासी माखन लस्सी हर जगह, बरसाना की लस्सी तो आपको पता है। ज्योति जी कहती है येलो कलर, कुल मिलाकर कमेंट अवश्य होने चाहिए सभी के, और उसके बाद देखेंगे कि किन किन के भावों पर रीझेंगी हमारी श्री जी। नेहा जी कहती हैं ब्लू, तो आप सभी यहाँ श्री राधा रानी के दादी बाबा बाबा महिवान जी महाराज सुखदा दादी श्री धाम बरसाना, आप यहाँ इन दर्शनों का आनंद लें, और सभी राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वभान दुलारी की। और आप सभी इन दर्शनों के आनंद लेकर शेयर करते रहें और राधे राधे बोलते रहें। और सभी की आज हाजिरी हम यहीं लगाएंगे, बस 5 मिनट सभी की हाजिरी, और जब तक सभी कमेंट करते रहें फिर मैं यहीं बैठकर आपको श्री जी की पोशाक का कलर बताऊंगा। जितेंद्र गुप्ता जी, राधे राधे, राधे कृष्ण जी, सोनी जी, तरुणा पाहुजा जी, हिमानी जी, सभी को राधे राधे। रिति खेरा जी राधे राधे, तेनुग्या जी राधे राधे, हरदासी जी, सुमन बंसल जी, पवित्रा सिंह जी, पूजा बजाज जी, निर्मला भत्रा जी, अंजलि सिंह जी, सचिन महाजन जी, दिव्यांशी राजपूत जी, प्रीति चौधरी जी, पूजा नीलेश जी, पूनम सूद जी, संदीप कुमार जी, सभी को राधे राधे। मीना मनोत्रा जी राधे राधे, जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, और घर बैठे देखिए आपके एक शेयर से और भी भक्तों को घर बैठे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मानव खट्टर जी, तेनुग्या जी, निधि वर्मा जी, राधे राधे, हर्ष प्रीतम जी राधे राधे, मीना मनोत्रा जी, हरदासी जी, अनुरमन जी, प्रीति शर्मा जी, सुमन गोस्वामी जी, राधे बबीता जी, डिंपल रानी जी, बिरन जी, साक्षी प्रीति जी, कंचन जी राधे राधे, अनुराकेश सागर जी, दयानंद जी, पूनम गौरव वर्मा जी, चारू पांडे जी, अशोक जी, अनुजा जी राधे राधे, विवेक गुप्ता जी राधे राधे, राधे कृष्ण जी राधे राधे, भावना जुनेजा जी राधे राधे, मानविक जौहर जी, सराजल गुप्ता जी, रीता सहगल जी, हरे कृष्ण जी, अंजलि गर्ग जी, साक्षी शर्मा जी, पूजा सेठी जी, नीरज सेठी जी, प्रिया रस्तोगी जी, शशि कपूर जी, अंजना जी, सभी को राधे राधे। सुनील सोनी हुरिया जी, कविता रजक जी, सुनील सुमन जी, समीक्षा जी, दिव्यांशी जी, सुष्मिता जी, अंगद यादव जी, अंबिका पट जी राधे राधे, अर्पिता जी, सोरम डंगी जी, चंद्रका जी राधे राधे, अनु शर्मा जी राधे राधे, सविता कौशिक जी राधे राधे, वीर सिंह जी राधे राधे, अंजलि तोली जी, अनीता वर्मा जी, निशा कश्यप जी, कशिश रावत जी। तो श्री जी से बस यही अरदास करते हैं श्री जी। भावना वंदना शर्मा जी राधे राधे, यही अरदास करते हैं कि जो भी भक्त इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, या फिर जो भी भक्तों की फैमिली के कोई भी सदस्य अगर जूझ रहे हैं, तो उन्हें शक्ति प्रदान करें
और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। नेहा गोयल जी राधे राधे। तो ज्योति जी राधे राधे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज हमारी श्री राधा रानी ने, आज हमारी श्री राधा रानी ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी ने आज येलो कलर की पोशाक है, बहुत ही सुंदर पोशाक है। और श्री जी के अद्भुत दर्शन तो तभी आप समझ गए होंगे कि श्री जी के जो बहुत प्यारे जो दर्शनों का जो सौभाग्य है वह गर्भगृह में होता है। आज के दर्शन स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आज श्री जी काफ़ी दिनों के बाद अपने गर्भगृह में श्रृंगार के समय दर्शन देने के लिए गई है। पूजा बब्बर जी राधे राधे। और एक और बात आपको बताऊं कि जब श्री जी की श्रृंगार आरती होती है तो श्रृंगार आरती में श्री जी की गर्भगृह में धूप बत्ती की आरती होती है। बहुत ही स्पेशल दर्शन इसलिए माने जाते हैं, गर्भगृह में श्री जी अपने स्वर्ण हेडोले में दर्शन देती है। प्यारी सी चंद्रिका है, श्री जी की नैनों में कजरारे नैन है, प्यारा सा कंठा है, मोतियों की माला है, स्वर्ण हार है, अद्भुत श्रृंगार है और पुष्पों की मालाएं इस तरह से महक रही हैं श्री जी के महलों में, अद्भुत आनंद आ रहा है। और लाला के तो क्या कहने, जब भैया पीले रंग की पोशाक होए तो लाला तो फूलों ना समावे। ऐसे दर्शन लाला के आज है रहे हैं, जब कार्यकारी छवि पर जब पीले रंग की पोशाक के अद्भुत दर्शनों का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। और सोने के मुकुट हैं, कंठा है, अद्भुत श्रृंगार है, लाला की पत्रावली इतनी प्यारी है यकीन मानो नजर ही नहीं हट रही। जय हो मेरे साक्षी गोपाल जी। और आज ओहो कितना अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, जैसा कि महल में येलो रंग की पोशाक है, ठाकुर जी का प्रिय कलर तो हमारे साक्षी गोपाल जी में, हमारी श्री राधा रानी का प्रिय कलर ब्लू कलर की पोशाक हमारी साक्षी गोपाल जी ने पहन रखी है। जय हो। आज तो मैंने जैसा कि आज कहा ही था कि आज किसके पसंद की पोशाक पहन रखी होगी, तो देखिए वहाँ तो ठाकुर जी, लेकिन श्री जी भी कम कहाँ। श्री जी ने अपने यहाँ नीले रंग की पोशाक पहन रखी है, वहाँ ठाकुर जी पीले रंग की, तो श्री जी यहाँ नीले रंग की पोशाक पहनकर दर्शन दे रहे हैं। सक्षम राजपूत जी राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे। एकता भार्गव जी, अनीता वर्मा जी, श्री जी सभी पर कृपा करें और सभी को शक्ति दें ताकि वे इस महामारी से लड़ सकें और धैर्य बनाए रखें। श्री जी सब पर कृपा करेंगे। पवित्र सिंह जी राधे राधे। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो बरसाने वारी की। तरुण जी राधे राधे। नेहा शर्मा जी राधे राधे। जय हो लाडली लाल की। अद्भुत दर्शन है और यहाँ जो हमारी श्री राधा रानी के नृत्य करते हुए रूप के दर्शनों का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय हो मेरे साक्षी गोपाल जी की, जय हो मेरे साक्षी गोपाल। सभी भक्तों को राधे राधे। और इसी तरह आनंद लें, जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें और लीलाओं का इसी तरह आनंद लेते रहें। सभी को प्यार भरी राधे राधे। जय जय श्री राधे। गुरप्रीत सीमा जी राधे राधे। हम अपना लाइव सेशन विराम करेंगे और व्यस्तता आपको पता है, अब क्या कहूँ आप समझ रहे हैं। तो सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए। लाडली लाल की जय हो।